Hello guys, welcome back to Precademy. This is Pranav Kumar. Today we are going to take a session of accountancy. तो accountancy में लेकर के आ गए हैं बहुत important और धांसु chapter जो है change in profit sharing ratio among the existing partners. क्या? Change in profit sharing ratio among the existing partner. अब बोलोगे सर ये धांसु क्यों है? ये धांसु इसलिए है क्योंकि ये fundamental chapter है. ये पूरा फंडामेंटल चैप्टर है. यहां पर जाकर आपका बनेगा बेसिक फाउंडेशंस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स के ये फाउंडेशंस और बेसिक क्लासेस हैं. यहां पर आपके बेस बनेंगे, यहां फाउंडेशंस बनेगा. तो चैन से सोना है और अकाउंटेंसी को कवर करना है. अब पार्टनर्स इसमें 36 मार्क्स लाना है, राज करना है, तो इस चैप्टर पर कमांड कर लो. बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा. इस चैप्टर पर कमांड कर लो, ये बेसिक चैप्टर. अब बोलोगे सर इससे पहले आप फंडामेंटल की क्लासेस लिए क्या? वो बेसिक था? वो बेसिक तो था, वो पूरे अकाउंटेंसी का एक बेसिक निचोड़ था. लेकिन यहां पर जो पार्टनरशिप के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बेसिक्स और फाउंडेशंस क्लासेस ये हैं, द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर कमांड कर लेंगे तो हमारा यहां पर सारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पर कमांड हो जाएगा. क्योंकि यहां पर सारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स के जितने भी बेसिक पॉइंट्स है वो यहां पर पढ़ा दिया जाता है. तो यहां पढ़ा दिया जाता है सारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के बेसिक पॉइंट्स को. यहां पर पढ़ के बच्चे जब एडमिशन सॉल्व करते हैं तो वहां कोई देरी नहीं लगता है हमें सिलेबस खत्म होने में. ना डेथ में समय लगता है, ना रिटायरमेंट में समय लगता है. मतलब अगर आप रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशंस, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट अगर आप सही समय पर और अच्छे ढंग से खत्म करना चाहते हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस चैप्टर पर कमांड कर लो. अगर अभी तक कमांड नहीं किया तो इस चैप्टर पर कमांड कर लो, क्योंकि इसके कंटेंट तुम देख रहे होगे. इसके कंटेंट में रेशियो, उसके बेसिक कैलकुलेशंस है. तो इसके कंटेंट्स को स्टार्ट करने से पहले प्रकैडमी में आपका स्वागत है. मैं हूं प्रणव कुमार. कंसिस्टेंट हम लोग वीडियोस ला रहे हैं अकाउंटेंसी के. इकोनॉमिक्स अभी आया नहीं है, आ जाएगा. और बिजनेस स्टडीज के तो हमारी टीम, हमारे लोग और हम मेहनत कर रहे हैं. तो हमारे इस प्रकैडमी को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और तकरीबन वीडियोस हाई लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा लॉजिक, एक अच्छा वीडियो बनाने में जो भी मेहनत होगा वो मैं करूंगा आपके लिए. बट आई नीड सपोर्ट. एंड सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं सर? सपोर्ट के लिए हमारे इस वीडियोस को आपको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें. और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो प्रकैडमी पर आकर हमारे वीडियोस का कंटेंट को देख कर चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दे, ऐसे ना जाए. अगर हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो, नहीं लगता है तो आप छोड़ दें. ना आप लाइक करें, ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें. क्योंकि अगर यूजफुल वीडियो नहीं है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं बनता. लेकिन अगर आपके लिए यूजफुल वीडियो साबित होता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे. चलिए कंटेंट्स की ओर फोकस करेंगे. कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपने देख लिया. अकाउंटेंसीज का पार्ट वन वीडियोस कवर कर रहे हैं. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट वन वीडियो. कंटेंट पर फोकस करते हैं जो आपके सीबीएसईज में आने वाले हैं, आपके बोर्ड में आने वाले हैं. सीबीएसई मैं जरूर बोल रहा हूं लेकिन हमारा ऑल बोर्ड टारगेटेड है. सीबीएसई के राउंड में हम सिलेबस को लेकर चलते हैं तो यहां पर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारे कवर हो जाते हैं, लगभग लगभग पूरे. और बिहार बोर्ड के लिए तो सोचना ही नहीं है, जितना सीबीएसई के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूं उतना वो साथ साथ हमारे साथ पढ़ते चल जाएंगे, उतना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. तो उनके लिए बल्ले बल्ले, ठीक है. तो कौन कौन सा कंटेंट है, कंटेंट पे फोकस करो यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंटेंट ही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना होता है. तो चलिए, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट वन वीडियो गेट रेडी. कंटेंट हमारे पास है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. हमें सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, ठीक है. क्योंकि यह सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको काम आएगा एडमिशन में. हम ए लिख दे रहे हैं, कहां काम आने वाला है जल्दी मेरे साथ कमेंट करो. यार आप लोग कमेंट नहीं कर दो यार, ये गलत आदत है. बहुत तकरीबन बहुत दिनों से मैं ये बात बोल रहा हूं, कमेंट कर दिया करो यार, प्लीज कमेंट करो यार. तुझे पता चलेगा कि हमें और क्या सुधार करना है. पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, अपने आप को इस बार खान समझ रहे हैं हम, कितना पानी में हम है हमें भी तो पता चलना चाहिए. इसके लिए आप वैल्यूबल, लेकिन वैल्यूबल कमेंट कीजिएगा, फालतू कमेंट मत कीजिएगा.
तो कमेंट करें वीडियो अच्छा लगता है तो, नहीं भी अच्छा लगता है तो भी सजेस्ट करें व्हाट कैन आई डू फॉर यू। चलिए फिर हम आगे जाकर के गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे जो कि आपका रिटायरमेंट और डेथ दोनों में काम आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ बेसिक चैप्टर फॉर एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, फिर यहां पर थर्ड पॉइंट में जो हम गुडविल पढ़ेंगे, ये तो डेफिनेशंस, चलो ये तो थ्योरी थ्योरी हो गया, थ्योरेटिकल एनालिसिस हो गया। इसके बाद जो हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे ये भी बेसिक है, लेकिन बेसिक फॉर व्हाट? इट इज बेसिक फॉर एडमिशन, इट इज बेसिक फॉर रिटायरमेंट, इट इज बेसिक फॉर डेथ। मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जो गुडविल के क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिक यहां पर आपको पढ़ना है। जो बच्चा, जो मेरा भाई, जो मेरा दोस्त यहां पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर कमांड कर लेगा वो एडमिशन के टाइम में मौज करेगा, रिटायरमेंट के टाइम में मौज करेगा, डेथ के टाइम में मौज करेगा, मतलब मौज कर दी, ये वाला हालत होगा आपके साथ, क्योंकि आपने वैल्यूएशन और गुडविल के बेसिक यहां पर क्लियर कर लिया है। अब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप एडमिशन बताओगे, रिटायरमेंट बनाओगे, डेथ बनाओगे, कहीं कोई पंगा नहीं। और एक बात बता देता हूं, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमांड कर लिया वो एडमिशन जल्दी खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, डेथ भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जम के करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहले से आप पढ़ लियो। इसी के लिए बार बार मैं कह रहा हूं इट इज अ बेसिक चैप्टर फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। बेसिक अगर अच्छे से कंप्लीट हो गया तो एडमिशन में मुझे कोई थ्योरी और कुछ बड़ा चीज पढ़ाने को नहीं रहेगा, ना रिटायरमेंट में पढ़ाने को रहेगा, ना डेथ में पढ़ाने को रहेगा। तो क्या कीजिएगा सर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम में सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट अगर पैदा लेता है, क्वेश्चन के थ्रू भी कोई कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, यह भी सच्चाई है, तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मतलब सर जो मेहनत करना है यहां करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में मजे मजे करना है, वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप को हम लोग जल्दी कवर कर पाएंगे इस मेथड से। इससे के लिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे सारे दोस्तों से जो अकाउंटेंसी में होनहार है या होनहार नहीं है लेकिन हमारे प्रकेडमी चैनल पर पढ़ रहे हैं, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जरूर कमांड कर ले मेरे भाई, बात मान करके देखो, रिजल्ट मिलेगा यार, तुम विश्वास करके देखो। चलो फिर आगे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, फिर आगे जाकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स पढ़ेंगे, फिर आगे जाकर के हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, कहां पर जाकर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और हम लोग यहां पर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड यहां पर एक छूट गया बैलेंस शीट, यहां पर बैलेंस शीट का भी हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। मतलब लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग एक चीज देख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, पीसीए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सुन लिया क्या बोला लास्ट में, लास्ट में क्या कवर करेंगे, प्रिपरेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वैसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, तो तैयार है, चलिए आज हम, आज हमारा पूरा जो कंटेंट है और आज का जो समय हम आपके साथ बिताएंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को समझने में बिताएंगे, क्योंकि बेसिक चैप्टर है और आगे जाकर के ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए यहां पर समय देना हमारे लिए यूजफुल रहेगा और आपके लिए भी। तो पेशेंसली सुनेंगे, हेडफोन लगा लीजिए, आराम से क्लास को, लेक्चर को एंजॉय कीजिए, और क्लास के बाद कोई भी चीज, बार बार बता रहा हूं, कोई भी चीज पहले सुन लो तब लिखना है, पहले लिखने मत लगना, सुन लो। जैसे कंटेंट मैंने पूरा आपको बता दिया, सुन लिए, इसको पॉज कर दो, लिख लो। अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको बढ़िया से सुन लो, फिर पॉज करना, लिख लो। सुनना है तब लिखना है, सुनना है तब लिखना है, बहुत सारे कुछ रूल्स हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, सुन लोगे तो गलतियां कम होंगी। चलिए आइए, तो चलिए वी आर, चलिए हमारे दोस्तों हम लोग आ जाते हैं टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में एडमिशन लिखा, क्यों लिखा हूं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके एडमिशन में काम आता है, क्योंकि मैंने बोल दिया हूं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का ये बेसिक क्लासेस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चीजों को समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। सैक्रिफाइस मतलब होता है जा, मैंने तुझे दे दिया, त्याग की भावना। जब त्याग की भावना आता है तो उसको कहते हैं सैक्रिफाइस, और रेशियो मतलब उसका रेशियो निकलेगा। कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पहले कुछ बातों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिकली बात है। मान लीजिए दो लोग हैं, यहां पर दो लोग हैं, इन्होंने अपने लिए 5 रोटी और ये व्यक्ति ने अपने लिए 5 रोटी बना करके रखा,
ठीक है, दोनों व्यक्ति ने अपने लिए पांच पांच रोटी बना करके रखा, ठीक है। एक तीसरा व्यक्ति बिन बुलाए मेहमान एक बैग आ गया, बारिश का मौसम चल रहा है, रात होने वाली है, कहीं ट्रेन नहीं, कहीं बस नहीं, कहीं यातायात का कोई साधन नहीं, सोचा क्यों ना इन दोनों के घर पर जाकर रुक जाओ, जबकि ये दोनों साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं है अलग अलग रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं। तो ये व्यक्ति पांच रोटी कंज्यूम करता है, ये नाम दे देता हूं भाई ए और बी, ए पांच रोटी कंज्यूम करता है, बी पांच रोटी कंज्यूम करता है, और ए बी साथ मिलकर के रहता है, ठीक है। सी इसका बहुत पहले का दोस्त था, बोला कि यही मौका है, चलते हैं इन दोनों के पास, क्योंकि रात का समय, बारिश हो रहा है, कहीं जाने का साधन नहीं है, चलो रात में इनके यहां रुकते हैं। ये दोनों प्लान ए और बी करके रखा था कि आराम से पांच रोटी पनीर चिली के साथ उड़ाएंगे, सावन का महीना चल रहा है, कोई नॉन वेज नहीं खाएंगे, वेज खाएंगे, तो पनीर चिल्ली विथ रोटी, पांच पांच रोटी दोनों अपने इसमें डिस्कस कर लिए कि भाई हम दोनों इतना खाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि सी उसका प्यारा प्यारा दोस्त बिना कॉल किए हुए बिना कुछ इन्फॉर्म किए हुए वो वहां पर इनके पास टपक जाएगा। अब आ गया है तो दोस्त को तो मना नहीं करोगे, अब आ गया है तो दोस्त को तो भूखे नहीं छोड़ोगे कि भाई हम पनीर चिल्ली बनाए हैं, रोटी बनाए हैं, अपने दोनों के लिए खाने के लिए सोचे थे, तुम क्यों आ गए भाई, हमें शेयर करना पड़ेगा, ऐसा तो तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि वो तुम्हारा पहले का दोस्त है और अच्छा दोस्त है, तभी वो तुम्हारे पास रात में आया। अब यहां पर क्या फर्ज बनेगा, यहां पर यह फर्ज बनेगा कि ए और बी कुछ रेशियो में रोटी को सेक्रीफाइस करेगा और सी को देगा। अब ये देखो, ये तो क्वेश्चन डिपेंड करता है ना, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, वो क्वेश्चन में पता चलेगा, लेकिन हम मान लेते हैं अपने मन से, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि ए जो है थोड़ा सा ज्यादा प्रेम था सी से, तो उसने अपना तीन रोटी किसे दे दिया, उसने तीन रोटी इस सी वाले भाई को दे दिया, ठीक है। और बी बोला, ना भाई हम दोपहर से भूखे हैं और ऑफिस गए थे, खाना दोपहर में नहीं खा पाए, अभी खाने का मन है, तो हम तुमको दो रोटी देते हैं। तो बी ने अपने शेयर से दो रोटी यहां पर निकाल के दे दिया, मतलब सी के पास ए के द्वारा तीन रोटी और बी के द्वारा दो रोटी मिल गया, मतलब टोटल पांच रोटी सी को मिल गया। सी तो बम बम हो गया कि भाई हमें पांच रोटी मिल गया, लेकिन समझने की बात क्या है कि यहां पर जो ए और बी है वो अपने शेयर में से पांच रोटी में से सेक्रीफाइस किया। ए ने अपने पांच रोटी में से तीन रोटी दे दिया, बी ने अपने पांच रोटी में से दो रोटी दे दिया, मतलब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई नया मेहमान आएगा, और एडमिशन है तो मेहमान आएगा ही आएगा, कोई नया नया पार्टनर आना ही आना है, तो जब कोई नया पार्टनर आए फॉर्म में तो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहां पर मैंने कंडीशंस वन लिखा है, कंडीशन वन में मैंने लिखा है कि बोथ विल सेक्रीफाइस, हो सकता है कि दोनों सेक्रीफाइस करें, जैसे यहां पर ए और बी दोनों सेक्रीफाइस किया, हाँ रेशियो अलग है, ए ने तीन रोटी दिया, बी ने दो रोटी दिया, लेकिन दोनों सेक्रीफाइस किया। कंडीशन दो भी होता है, ओनली वन विल सेक्रीफाइस, कोई एक ही सेक्रीफाइस करे, ये भी हो सकता था ना कि ए पांच रोटी खा रहा है, बी पांच रोटी खा रहा है, सी अगर आ गया तो ए को बोला, बी तैयार ही नहीं हुआ कि नहीं हम कोई रोटी नहीं सेक्रीफाइस करेंगे, तो ए ने बोला भाई हम तो देंगे, क्योंकि ये दोस्त मेरा है, ये रात में आया है, भूखा है, कहां जाएगा, तो हम पांचों का पांचों रोटी दे देंगे। तो इस ये कंडीशन टू को फॉलो किया, जब ए पांचों का पांचों रोटी सी को दे दे और बी ना दे, इसमें कोई एक व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कंडीशन दो भी अप्लाई होता है, ओनली वन विल सेक्रीफाइस, तो दोनों कंडीशन लागू होता है, हो सके तो। लेकिन ये लागू किसके लिए होता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। यहां पर ए और बी का भूमिका क्या है, ओल्ड, ये ओल्ड इसलिए क्योंकि ये दोनों पहले से रह रहे थे, सी बिना बुलाया मेहमान था जो आकर के इन लोगों के साथ एडमिट हुआ, रहा, उस रात को गुजारा, उस रात को काटा। तो जब कोई नया व्यक्ति, नया पार्टनर्स आकर के इंटर करता है तो वो होता है न्यू पार्टनर, और पहले से जो पार्टनर रहते हैं वो होते हैं ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है, या तो दोनों करेगा या तो कोई एक करेगा, ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, या तो दोनों करेगा या तो एक करेगा। अब कंडीशन थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कंडीशन वन कहता है बोथ विल सेक्रीफाइस, तो अच्छी बात है, दोनों सेक्रीफाइस कर गया। कंडीशन टू कहता है ओनली वन विल सेक्रीफाइस, इसका मतलब एक पार्टनर सेक्रीफाइस किया होगा और एक पार्टनर गेन भी कर सकता है, ओल्ड पार्टनर मतलब और उसको कुछ ना कुछ मिल ही गया हो, वो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, बस अभी समझने की कोशिश करो कि कंडीशन टू ये कहता है कि ओनली वन विल सेक्रीफाइस,
एक ही व्यक्ति सेक्रीफाइस करेगा तो अगला व्यक्ति कहां गया, वो गेन भी कर सकता है, और तीसरा कंडीशन वो ना गेन करेगा ना सेक्रीफाइस करेगा। ये तीन कंडीशन लागू होगा, तीन पॉइंट लागू होगा। कहने का मतलब क्या है कि सर कंडीशन वन में है कि मतलब दोनों ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किया, चलो बल्ले बल्ले गुड। कंडीशन टू, ओनली वन विल सेक्रीफाइस, मतलब अगर पुराना दो पार्टनर है तो उसमें एक सेक्रीफाइस कर गया और एक, ये एक गेन भी कर सकता है, ये एक ना तो सेक्रीफाइस ना तो गेन करेगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन टू ओनली वन विल सेक्रीफाइस का मतलब एक सेक्रीफाइस करेगा और दो दूसरा है वो या तो गेन भी कर सकता है या तो सेक्रीफाइस, या तो ना तो सेक्रीफाइस ना तो गेन कर सकता है। थोड़ा सा अटरिंग हो गया है, फिर से रिपीट कर देते हैं। कंडीशन टू में क्या लिखा हुआ, ओनली वन विल सेक्रीफाइस, मतलब एक व्यक्ति सेक्रीफाइस कर गया, दूसरा व्यक्ति गेन भी कर सकता है, नहीं तो वो ना तो गेन ना तो सेक्रीफाइस, कुछ नहीं किया, न्यूट्रल, या तो गेन नहीं तो न्यूट्रल सेकंड व्यक्ति। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल के माध्यम से कुछ चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे और ये आप एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर पहले से रहेगा, नया पार्टनर आता है, वही केस एडमिशन का होता है। एडमिशन का मतलब होता है कोई बाहरी पार्टनर्स आपके साथ आकर के एडमिट हो रहा है, तो आपके साथ आकर एडमिट हो रहा है मतलब आप ओल्ड पार्टनर है पहले। अरे भैया तुम पहले से हो तो तुम ओल्ड, अब कोई आकर के तुम्हारे साथ एड हो रहा है तो वो न्यू है। अब यहां पर केस है ए और बी, यहां पर केस क्या है ए और बी, तो यहां पर ए बी है और सी आकर के क्या हो रहा है इनके पास एडमिट हो रहा है, सी आकर के एडमिट हो रहा है। अब सिंपली बताओ या ए बी ओल्ड है या न्यू है, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि यहां पर ए बी ओल्ड है या न्यू है। तो ऑब्वियसली सर ए और बी क्या है, ओल्ड पार्टनर है, क्या है ओल्ड पार्टनर है, और ये जो सी आकर के एडमिट हो रहा है ये कौन है, ये न्यू पार्टनर है। कहानी क्या है, कहानी का शीर्षक क्या है सर, कहानी का शीर्षक ये है कि ए बी जो पहले से रेशियो शेयर कर रहा था, प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो शेयर कर रहा था वो 3:2 में कर रहा था, 3:2 मतलब 3/5, 2/5, ये पहले से उनका रेशियो था। अब सी एक बैग आया, बोला कि हमको 1/5 शेयर तुम लोगों से चाहिए क्योंकि मैं आपके पास एडमिट होने जाता हूं। सी आया, वो बोला 1/5 शेयर मुझे चाहिए आपके फॉर्म से क्योंकि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। तो सी इज अ न्यू पार्टनर, ये चाह रहा है कि 1/5 शेयर मिले किससे, आप लोगों से, मतलब ए और बी से। तो ए और बी पहले से 3:2 पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा था, सी आया बोला कि मुझे एडमिट कर लो और मुझे 1/5 शेयर चाहिए। देखो बहुत सिंपल और इजी कैलकुलेशन, इसको समझो, पहले जो शेयर था टोटल शेयर, मतलब मान लेते हैं पूरा शेयर का वैल्यू 1, ध्यान से सुनना, पहले पूरे शेयर का वैल्यू 1, तो पूरे शेयर का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। उसमें से सी को कितना चाहिए, सी को चाहिए सर 1/5, मतलब पूरे 1 में से हम माइनस कर देंगे 1/5, ये 1/5 किसका हिस्सा है, सी का, तो बचा कितना 4/5 शेयर। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है वो किसके लिए बचा हुआ, ए और बी के लिए, क्योंकि 1/5 शेयर तो सी ले गया, टोटल में से 1/5 शेयर सी ले गया, तो बचा हुआ रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5, किसके लिए है वो, किसके लिए, वो ए और बी के लिए है। अब ए और बी को 4/5 शेयर में गुजारा करना होगा, क्यों, क्योंकि 1/5 शेयर ए और बी मिलकर के सी को दे दिया, मुझे नहीं पता किस रेशियो में दिया लेकिन दे दिया। अब बचा हुआ शेयर कितना है 4/5, अब इसी में ए और बी को गुजारा करना है, लेकिन कैसे गुजारा करेगा, किस रेशियो में बांटेगा, तो ए और बी 4/5 शेयर जो बच गया है, ए और बी 4/5 शेयर जो बच गया है उस शेयर को वो पहले रेशियो में बांट लेगा जो 3:2 है, मतलब ए और बी का पहले का रेशियो क्या था 3:2, तो जो रिमेनिंग शेयर है, ये रिमेनिंग शेयर है 4/5, ये 4/5 शेयर रिमेनिंग शेयर है जो किसके लिए बचा हुआ था, ए और बी के लिए बचा हुआ है। अब ए और बी कैसे बांटेगा, तो वो पहले वाले रेशियो से बांटेगा, वो पहले वाला रेशियो क्या है 3:2, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये ए के लिए है, हमने क्या किया, गया क्या किया 4/5 × 3/5, मतलब पहला का रेशियो 3/5 था तो 4/5 × 3/5 कर दिया, आगे हमारा 12/25, ये ए के लिए हो गया। बी के लिए क्या हुआ सर, बी के लिए भी हमने 4/5 शेयर ले लिया क्योंकि बांटना तो 4/5 को है, तो
तो 4/5 को 3:2 में बांटेंगे ए और बी के बीच में। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4/5 शेयर, एक का फिर से मैं बता रहा हूं, 4/5 शेयर इंटू 3/5 इक्वल टू 12/25, ये ए के लिए हो गया। बी के लिए क्या होगा, 4/5 इंटू 2/5, ये 8/25 बी के लिए हो गया। मतलब अब हमें पता चल गया कि ए को अब जो हिस्सा मिला है सी को देने के बाद, सी को 1/5 शेयर दोनों मिलकर के दे दिया, उसके बाद जो हिस्सा ए को मिला है 12/25, बी को मिला 8/25। तो यहां पर मैंने न्यू रेशियो लिखा है, न्यू रेशियो ए के लिए क्या है 12/25, बी के लिए क्या है 8/25 और सी के लिए क्या है 5/25। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो, यहां पर रेशियो मैचिंग करने का बात है। C का पहले शेयर था 1/5, क्योंकि C ने 1/5 ही लिया था, तो सर आप कहोगे सर 1/5 लिखना चाहिए, आप 5/25 कैसे लिख लिए, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रेशियो को एडजस्ट कर रहे हैं। 1/5 है और हमारा डिनोमिनेटर में 25 आ रहा था, ये सिक रेशियो है, इसको हेल्दी रेशियो में लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए सब जगह 25 है, यहां 1/5 रहेगा अच्छा लगेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे 5 में इंटू 5 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और ये रेशियो का रूल है, जितना आप इंटू करते हो डिनोमिनेटर के साथ उतना इंटू आपको करना होता है न्यूमिनेटर के साथ, तो इसी के लिए 5 × 5 नीचे हो गया, ऊपर भी इंटू 5 करेंगे 5/25। अब रेशियो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, अब ए के लिए हो गया 12/25, बी के लिए हो गया 8/25 और सी के लिए हो गया 5/25। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा रेशियो क्या हो गया 12:8:5, ये हमारा क्या हो गया एनआर बोले तो न्यू रेशियो, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। मतलब अब रेशियो कर देख करके लग रहा है कि ए और बी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है सी के आने से, ए और बी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया सी के आने से। तो कहानी का पूरा सारांश क्या है कि ए और बी 3:2 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बांट रहा था, सी वो आया बोला कि सर हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो बोला ठीक है आओ बिजनेस करो, तो सी बोला सर हमको 1/5 शेयर आपके फॉर्म से चाहिए, ए और बी बोला ठीक है दे देंगे, तो 1/5 शेयर सी को दे दिया, तो पूरे टोटल शेयर में से 1/5 शेयर सी को दे दिया, तो बचा 4/5। अब ये 4/5 शेयर जो बचा वो किसके लिए बचा, क्योंकि पूरे शेयर में 1/5 तो हम सी को दे दिए, तो 4/5 शेयर किसके लिए बचा, वो बचा ए और बी के लिए। अब ए और बी कैसे बांटेगा, क्वेश्चन तो यहां उठता है, तो ए और बी पहले जो रेशियो था वही रेशियो में बांटेगा, पहले क्या रेशियो था 3:2, उसी रेशियो में ये बांट लेगा। बांटने के बाद क्या आएगा, ए का शेयर 12/25, बी का आएगा 8/25, तो ए का आ गया 12/25, बी का आ गया 8/25, और सी 1/5 था उसको हम इंटू 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किए, तो 5/25 आ गया। अब हमारा रेशियो आ गया, अब रेशियो को हम नोट डाउन कर ले, न्यू रेशियो हमारा क्या हो गया 12:8:5। अब न्यू रेशियो भी आ गया, ओल्ड रेशियो भी आ गया, मतलब ओल्ड रेशियो तो पहले से ही था, न्यू रेशियो आ गया। अब खेला समझो, खेला स्टार्टिंग में रोटी वाला क्या मैंने बताया था, मैंने रोटी में कहानी ये बताया था कि जो पहला पार्टनर और पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करता है और अपने हिस्से से कुछ शेयर नए पार्टनर को देता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो बनेगा वो ओल्ड माइनस न्यू बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एकदम जाहिर है कि पुराना पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है, नया पार्टनर कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है। तो पुराना पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, तो पुराना पार्टनर का रेशियो ओल्ड रेशियो, नया पार्टनर का रेशियो न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपका पास बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चलो जल्दी से अभी कंफर्म करो, अभी से ही दिमाग में बैठा लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये क्यों होगा, इसका कारण तो मैंने आपको बता दिया, एक कारण और बताता हूं, हमेशा ओल्ड रेशियो बड़ा होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो पहले क्या था 3:2, अब न्यू रेशियो क्या हो गया 12:8:5, तो हमेशा बड़ा से छोटा घटाते हैं, ये इलॉजिकल है, ज्यादा लॉजिकल नहीं है, आप वही समझो कि सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड न्यू के लिए करता है, इसे के लिए ओल्ड पार्टनर के लिए ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर के लिए न्यू रेशियो, इसलिए ओल्ड माइनस न्यू, इसलिए ओल्ड माइनस न्यू। अब ए का ओल्ड, अब तो ए और बी का चेक करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है, न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता है, तो इसी के लिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकाल रहा, ए और बी का, सी का नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमें पता है सी को 1/5 शेयर मिला है तो उसके लिए तो गेन है, अरे सी को तो और 1/5 शेयर मिल गया तो उसके लिए तो गेन है, लेकिन सेक्रीफाइस ए और बी किया, तो हमेशा ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है,
किसी कंडीशन में गेन भी करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन टू बताया था। चलो कंडीशन टू को फिर से देखते हैं। कंडीशन टू में मैंने क्या बोला, ओनली वन विल सैक्रिफाइस, मतलब यहां पर यह हो सकता है कि कोई एक सैक्रिफाइस किया है, दूसरा पार्टनर हो सकता है गेन कर ले, या ये भी हो सकता है कि ना सैक्रिफाइस ना गेन करे, न्यूट्रल रहे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन में ये कहना चाहते हैं कि ओल्ड पार्टनर ही जनरली सैक्रिफाइस करता है। तो एक एक का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/5, नहीं है पता तो चेक कर लेते हैं, ध्यान में नहीं है। देखिए A का 3/5 है, B का 2/5 है, याद रखिएगा। चलिए आइए नीचे, तो A का कितना है 3/5 और A का न्यू रेशियो क्या है, A का न्यू रेशियो 12/25। तो 3/5 माइनस 12/25, बाकी आके कैलकुलेशंस करना आपको पता ही है, आगे एलसीएम ले लेंगे 25 और 15 माइनस 12 आएगा 3/25, ये आपका सेक्रीफाइस कर गया। एक बात और नोट डाउन, जब भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और रेशियो का रिजल्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने का मतलब 15 माइनस 12, तो जाहिर सी बात है यहां पर 3/25 होगा, पॉजिटिव आएगा। जब जब पॉजिटिव आए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और निकालने के बाद जब जब पॉजिटिव आए, तो समझना वहां पर सैक्रिफाइस हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही है, बुक में नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। इससे फायदा होता है क्या है कि कभी कदाल फायदा क्या होता है कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे और आपको गेनिंग रेशियो भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आपको गेनिंग रेशियो नहीं पढ़ा है, आपको अभी तक मैंने गेनिंग रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कभी गेनिंग रेशियो का अभी तक चर्चा नहीं किया, लेकिन अभी बता देते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, मतलब एक तीर में दो निशाना, आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करना और एग्जाम में समय भी बचता है। इससे के लिए ये बात दम गांठ बांध लो यार, इसको मतलब हम क्या कर दे ना 3 क्या 5/4 रेटिंग कर देते हैं, इस बातों को याद कर लो, ध्यान में रख लो कि जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू करोगे और रिजल्ट पॉजिटिव आए, समझना वहां पर सैक्रिफाइस हो रहा है। बी में वही करेंगे, न्यू ओल्ड रेशियो 2/25 है, न्यू रेशियो 8/25, माइनस करेंगे तो 2/25 आएगा, पॉजिटिव सैक्रिफाइस, मतलब इस कंडीशन में ए और बी दोनों सैक्रिफाइस किया, मतलब ये कंडीशन वन को फॉलो किया, जो कंडीशन वन हम लोग लिखे थे ना, ये कंडीशन वन, मतलब बोथ ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, 3:2, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश किया, और रोटी वाला एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना, वो उस चीजों से भी समझाने की कोशिश किया कि कभी भी कोई नया पार्टनर आता है, कोई न्यू पार्टनर आता है, तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर से कुछ चीज काट करके न्यू पार्टनर्स को देता है, और ये कंडीशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आएगा, एडमिशन में आएगा, ठीक है। अब आइए छोटा सा क्वेश्चन करें, और तो मिलेगा जीवन में और क्लैरिटी, क्योंकि अपन को चाहिए क्लैरिटी। चलिए तो क्लैरिटी के साथ इस चीजों को देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन में क्या कर रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन वन क्या है, ए एंड बी आर ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस 2:1। ए और बी पहले से 2:1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2021 के बाद उन्होंने डिसाइड किया, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली, मतलब पहले से ए और बी 2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे थे, बाद में उनकी मन हुआ कि ना भाई अब हम इक्वली करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वली शेयर करेंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कोई बात नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा याद रखना, एस सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब O-N, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ऑन कर दो, ऐसे भी याद रख सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ऑन कर दो, O-N, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको यहां पर देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी निकालना रहे, फॉर्मूला याद रखो ऑन, O-N, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपको पता होना चाहिए ना ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है। तो आपके पास ओल्ड रेशियो क्या है, इसको फाइंड आउट करो, है तुम्हारे पास क्षमता फाइंड आउट करने की, है क्षमता तो जल्दी फाइंड आउट करो क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो का है। तो सर 2:1 इज अ ओल्ड रेशियो एंड ये आप इक्वली किए हो, ये आपका न्यू रेशियो है, मतलब सर ए और बी जो पहले से 2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा था वो आपका ओल्ड रेशियो है, और 1 अप्रैल से ए और बी इक्वली प्रॉफिट शेयर करने के लिए कहा, जो कि 1:2 हुआ, वो आपका न्यू रेशियो है। तो जब ओल्ड रेशियो मिल जाए, न्यू रेशियो मिल जाए, तो कोई टेंशन नहीं जीवन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑन कर दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जब ऑन कर दोगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेशन कर लोगे। तो देखो ए का कैलकुलेशन किया, तो ए का कैलकुलेशन क्या हुआ, 1/6 आया, पॉजिटिव, ये सैक्रिफाइस हो गया। तो यही चीज मैंने बोल रहा था, जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा
जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा और रिजल्ट पॉजिटिव में रेशियो आ रहा है तो समझो वो सेक्रीफाइस करेगा, मतलब यहां पर ए सेक्रीफाइस किया। चलो बी कैलकुलेट करेंगे लेकिन बी में निगेटिव आ गया, तो जैसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो और रिजल्ट निगेटिव में आ जाए तो उसको सेक्रीफाइस नहीं गेन माना, यहां पर बी गेन किया। बिना गेनिंग रेशियो निकालने में हमें यहां पर पता कर लिए कि यहां पर बी गेन किया है, बिना सेक्रीफाइस सॉरी गेनिंग रेशियो निकाले हुए हम यहां पर फाइंड आउट कर लिए कि बी यहां पर गेन किया है। यही फायदा मिलता है, यही फायदा मिलता है कि यहां पर तुरंत बता देंगे कौन सेक्रीफाइस किया कौन गेन किया सिंगल फॉर्मूला में। गेनिंग रेशियो का कोई फॉर्मूला लगा है बताओ जल्दी से कमेंट करो, कोई फॉर्मूला अभी तक लगा है? नहीं लगा है, फिर भी हम बता दिए कि यहां पर ए सेक्रीफाइस किया बी गेन किया है। ठीक है, तो यहां पर एक नोट डाउन है क्योंकि मैं नोट डाउन जरूर करवाऊंगा, क्योंकि भैया जहां पर आपका समय बचता है तो वहां पर एक नोट डालना चाहिए, नोट को गांठ बांध करके रख लो, बहुत काम आने वाला है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको देंगे रेशियो का जिससे आपका काम आसान होगा, वो नेक्स्ट क्लासेस में, और भी कुछ रिलेटेड सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे और गेनिंग रेशियो करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी ढंग का क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको। क्वेश्चन इस तरह का सोल्व करवाएंगे कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो फटाक से ना न्यू रेशियो कैसे निकाल ले। कैलकुलेशन तो समझाएंगे क्योंकि आप बोर्ड में सब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव नहीं देने जा रहे हो, सब्जेक्टिव देने जा रहे हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप तो समझाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप अपना कैलकुलेशन को चेक भी कर लो, रीचेक कर लो। तो शॉर्टकट भी बताएंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेशन होता है वो भी बताएंगे। तो नोट में क्या लिखा है, व्हेन वी कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने जाते हैं तब हमारा रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो हम मानते हैं वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर गया, अगर रिजल्ट निगेटिव आएगा तो हम समझेंगे वो पार्टनर गेन कर रहा है। जिस यही नोट किसके लिए है, इस वाले क्वेश्चंस के लिए, जिसमें ए का रिजल्ट रेशियो पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस कर गया, बी का रेशियो निगेटिव आया मतलब गेन कर गया। तो यहां पर ए सेक्रीफाइस किया है और बी गेन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सर, एबीसी का प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 है, फ्यूचर मतलब आगे जाकर के फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:2:1 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। बच्चा वाला क्वेश्चन है, पहले से जो रेशियो है वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, अब जो रेशियो न्यू रेशियो हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन कर दो ओ माइनस एन, ओ माइनस एन हो गया तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया 3:6, 2:6, 1:6 ओल्ड रेशियो हो गया, और यहां पर न्यू रेशियो क्या हो गया 2:5, 2:5, 1:5 ये न्यू रेशियो हो गया। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड माइनस न्यू लगा दिए, अब ए का वैल्यू पुट करो, यहाँ पॉजिटिव आया मतलब ए सेक्रीफाइस किया, बी का फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पर वैल्यू रेशियो निगेटिव आया मतलब यहाँ बी गेन किया है, सी में लगाओ ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पर रेशियो निगेटिव आया मतलब सी गेन किया, मतलब ए यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है, बी यहाँ पर गेन किया है, सी यहाँ पर गेन किया है, एक तीर में दो निशाना, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर भी आप बता सकोगे कौन पार्टनर्स गेन करेगा कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। यह है मजा जीवन का और इस मजे को लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड भी आपको बताएंगे। देखो यार स्टेप फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स ही आपको एग्जाम में करना है, नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आप सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व करो, मतलब आप किसी रेशियो का कैलकुलेशन भी करो तो आप उसको विद इन अ सेकंड चेक भी कर लो कि हम सही किए कि नहीं किए, ये भी जरूरी होता है, तो वो चीजों के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपसे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए यहां पर सेशंस को समाप्त करते हैं, यहीं तक सफलता हमारा पार्ट वन वीडियोज का चेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस टॉपिक को आप बहुत एनर्जी के साथ, बहुत जोशों खरोशों के साथ और बहुत एक एंथुजिस्टिक के साथ करेंगे, क्योंकि भैया आपको मैंने बता दिया हूं क्योंकि ये चैप्टर जो है ये इज इज अ बेसिक फॉर एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ। ये चैप्टर को जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त, जो भी बच्चे यहां पर अगर इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर ले, एक अच्छे पोटेंशियल के साथ कवर कर लेंगे, उनको एडमिशन में नहीं लेट होगा, रिटायरमेंट में लेट नहीं होगा, डेथ में नहीं लेट होगा, डायरेक्ट हम लोग डिसोल्यूशन में आ जाएंगे, मतलब हमारा समय बचेगा। तो इस चैप्टर में पूरा समय दो ताकि आगे आने वाले तीन चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आपका समय बच जाए। तो चलिए थैंक यू सो मच कि आपने हमारा लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी की तरह हंसते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, हमारे इस एकेडमी को प्यार देते रहिए, प्यार जरा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसी के कारण हमारे इस वीडियोज को लाइक कर दे, अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल कंटेंट है तो शेयर कर दे, अगर हमारे वीडियोज को देख रहे हैं और आप
गुजर जा रहे हैं तो प्लीज गुजरे ना, सब्सक्राइब जरूर कर दे। टिल देन थैंक यू सो मच, और कमेंट्स जरूर करें, कमेंट जरूर करें, टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाएं, और हमारा जो व्हाट्सएप का जो नंबर है जिसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो 7050116782 में आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, नो फोन कॉल्स। तो आपका 3 प्लेटफॉर्म है भाई, आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी आप एकेडमी का क्लास 12th का ग्रुप बना, वहां भी आप बात कर सकते हो, और हमें लगा कि चलो व्हाट्सएप भी आपको दे दे जहां पर आप पर्सनली हमसे इंटरेक्ट कर सको, तो यहां भी आप हमसे बात कर सकते हो। इतना चीज आपके लिए कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए, बाय बाय टाटा, लव यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए, मस्ती करते रहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को भूलना मत, बार बार वीडियोज को रिवाइज करो, बार बार कॉन्सेप्ट को चेक करो, और आगे जितने भी क्लासेस आ रहे अटेंड करो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए, बाय बाय।